लाइन तेरे बाप की नहीं है। तेरी ये हिम्मत, तूने रिमोट पर हाथ उठाया? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था। बदतमीज जबान लगा होता है। मेरे फर्ज के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन तेरे बाप की है। ये बकरियां मेरे आका की है। हाँ तो तेरे आका की बकरियां सारी घास चरेंगी और मेरी भेड़ भूखे मरेंगी। तो आप भी खाइए और अपनी भेड़ों को भी खिलाइए। हाँ अंजार, देखा आप सबने? क्या हुआ? बाबा के नाम पे ये क्या क्या कर रहा है? क्या हुआ लॉर्ड? इस भिश्ती का बहुत दिमाग खराब हो गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये हमारी भेड़ पहाड़ के नीचे हाँक रहा था। मैं कह रहा हूँ कुछ मत कहो लॉर्ड, मेरे साथ आओ। देखो अपने चारों तरफ, देखो खुदा ने हमें कितनी जमीन अता की है। इंसान इंसान से जमीन के लिए लड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती। और फिर यूं भी जमीन तो खुदा की है। दरअसल हुआ क्या है कि हमारी दौलत पड़ गई है। दौलत यानी भेड़ बकरियां, ऊंट, घोड़े। मेरी भी दौलत बढ़ गई है और तुम्हारी भी। और दौलत बढ़ जाने पर मालिक से ज्यादा नौकर मकरूर हो जाते हैं। अब मेरा गुलाम तुम्हारा कहा ना माने या तुम्हारा गुलाम मेरा कहा ना माने, यह कोई अच्छी बात नहीं। और फिर गुलामों की वजह से हम दोनों आपस में लड़ जाएं, यह तो बहुत बड़ी नासमझी होगी। लिहाजा मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपने कबीले और खानदान की देखभाल कर सकते हो। इसलिए बेहतर यह होगा कि अब हम दोनों अलग हो जाएं। यानी ये गुलाम की वजह से आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं? तुम गलत समझ रहे हो लॉर्ड। नहीं, मैं जो समझ रहा हूं वही मुझे समझने दीजिए। मुझे अलग होने में कोई एतराज नहीं, आखिर हूं तो मैं सौतेला बेटा ही। तुम खामखा नाराज हो रहे हो लॉर्ड। तुम नहीं जानते कि सारे और मैं तुम्हें कितना चाहते हैं। नहीं, बेकार की हमदर्दी मत दिखाइए वरना मैं रो पड़ूंगा। आप चुन लीजिए आपको जो भी इलाका चुनना हो, मैं उस इलाके से दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए यह हक तुम्हें मैं देता हूं कि तुम अपनी पसंद की जमीन चुन लो। अगर तुम दाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तुम बाईं तरफ की जमीन पसंद करोगे तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। देख लो तुम्हें कौन सी जमीन पसंद है। मैं यर्दन का दरिया और यर्दन की वादी पसंद करता हूं। मुझे मंजूर है और मुझे खुशी है कि तुमने अच्छी जमीन पसंद की है। पर सुनो, वहां से कुछ दूरी पर सदोम और गमोरा शहर है। वहां दौलत तो बहुत है, ताजर भी आते हैं और बहुत तिजारत होती है, मगर वहां मक्कारी और बदकारी भी बहुत है। वहां कभी नहीं जाना। मैं आपकी नसीहत याद रखने की कोशिश करूंगा। हाथ में था तेरा यादों की दिल में बारा, कभी देखा चलते रहे साथ साथ, ले कि हमसे धात मोड़ ऐसा गया।
आंसू जुदा, फूल से खुशबू जुदा, मुझसे हुआ तू जुदा। लौट चला गया, सच पूछूं तो जीने का मतलब ही चला गया। उनकी तकदीर में हमारे साथ होना नहीं लिखा था, और हमारी तकदीर में यकीनन खुदा के रास्ते पर चलना लिखा है। कब तक चलते रहेंगे? जब तक चलाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब वो कहेगा बस अब्राम तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। तब तक हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। राह कठिन है बहुत और है मंजिल भी दूर। राह कठिन है बहुत और है मंजिल भी दूर। चलते रहोगे आएगी मंजिल जरूर, आएगी मंजिल है इस जगह पर। मेरा खुदा मेरे दिल में कह रहा है कि यही वो जगह है जहां हमने पहुंचना था। सलेम सलेम, जिंदगी का नगमा यहां से शुरू होता है। देखो देखो अपने चारों तरफ, देखो देखो ये जमीन जहां तक देख सकते हो हमारी है, तुम्हारी है, हम सब की है। हमारे ख्वाबों की जमीन। मंजिल आ गई बेटे, घर बनेंगे घर। खाना बदोशी खत्म हुई, भूल जाओ अपने सफर की थकान, नाचो गाओ जश्न मनाओ, खेमे लगाओ और बस जाओ बस जाओ बस जाओ। बेताब है ये जमीन अपने खजाने लुटाने के लिए, हमें खुशहाल बनाने के लिए। सींचे इसे अपनी मेहनत के पसीने से और देखो क्या फसलें लहलाएंगी। और हमारा खुदा उन पर अपनी रहमत का बादल बरसाए जो हमारे रफीक हों, और जो हमारे रकीब हों उन्हें एक बूंद पानी को भी तरसाए। सलेम सलेम, दुआ करो कि ये जमीन जन्नत कहलाए, दुआ करो कि ये जमीन हमारी आने वाली नस्लों की हो जाए। सलेम सलेम सलेम। कसो तनावे।